चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। पांच खिड़कियां हैं, जैसे कमरे में एक कमरा है और उसमें पांच खिड़की हो, तो रहने वाला पांच खिड़कियों से बाहर झांक सकता है। किसी खिड़की से जंगल दिखेगा, किसी खिड़की से नदी दिखेगी, किसी खिड़की से शहर दिखेगा, किसी खिड़की से पहाड़ दिखेगा। पांच खिड़की है। ऐसे ही हमारे शरीर में बाहर झांकने के लिए आत्मा को पांच खिड़की है। कितनी है आपको मालूम है कौन कौन सी है? नहीं मालूम है? चलिए मैं बता देती हूँ। पांच इंद्रियां, परसों बताया था ना मैंने, पांच इंद्रियां पांच खिड़की है। और इन पांच खिड़कियों के माध्यम से आत्मा बाहर की तरफ झांकती है, आँखों से बाहर का दृश्य देखती है, कानों से बाहर की आवाज़ें सुनती है, नाक से बाहर की दुर्गंध और सुगंध लेती है, जिह्वा से बाहर की खुशबू स्वाद लेती है, और स्पर्शन यानी शरीर से बाहर के जो ठंडा गर्म हल्का भारी रूखा चिकना आदि है इसका महसूस करती है, अनुभव करती है। ये पांच खिड़कियों के माध्यम से बाहर के वातावरण में जो पांच प्रकार की चीज़ें हैं वो सारी अनुभव आत्मा इन पांच इंद्रियों के माध्यम से करती है। परसों मैंने बताया था कि मुंह दो काम करता है। कितने काम करता है? दो काम करता है, चखने का और बकने का। इसके अलावा अन्य इंद्रियां दो काम करती हैं कि नहीं करती हैं? यही तो चिंतन है। आँखों के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता है। सामने वाले को जब गुस्सा आता है वो मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन उसका चेहरा बोल देता है, उसकी आँखें बता देती हैं इसको गुस्सा आ रहा है। आपके घर में मेहमान आए हैं और बच्चा किसी बात पर जिद कर रहा है और सामने मेहमान खड़े हैं और बच्चा साइड में खड़ा है, आप साइड में गर्दन घुमाते हो, जोर से आँख दिखाते हो, बोलते नहीं हो, केवल आँख दिखा देते हो और वापस मेहमान की तरफ घूम के और फिर अपनी बात शुरू कर देते हो, आँखों ने बोला कि नहीं बोला? अरे बोलिए ना, बोला ना। तो मात्र मुँह ही नहीं बोलता है, हाँ मुँह के पास में स्वर है, आवाज़ है, उसके माध्यम से भाषा है, उसके माध्यम से बोलता है, लेकिन आँखें भी बोलती हैं। जब किसी पर प्रेम आता है तो आँखें अलग हो जाती हैं, काम की आँखें अलग होती हैं, भय की आँखें अलग होती हैं, शर्म की आँखें अलग होती हैं, क्रोध की आँखें अलग होती हैं, अभिमान की आँखें अलग होती हैं। आँखें काटती भी हैं, आँखें तीखी तिरछी भी होती हैं, कहते ना वो बड़ी टेढ़ी नज़र से देखता है, क्या कहते हो? वो बड़ी टेढ़ी नज़र से देखते हैं, नहीं नज़र टेढ़ी भी होती है, फिर नज़र लगती भी है, सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, मत जाने किस नज़र से देखा कि नज़र लग गई है। बोलिए लगती कि नहीं लगती नज़र? छोटा बच्चा होता है, 10 जगह खेल के आ जाए, आके खूब रोता है, माँ समझ जाती है, दादी समझ जाती है, उसको नज़र लग गई है, फटाफट नज़र उतारती है, बच्चा चुप हो जाता है। होता कि नहीं होता है? नज़र किससे लगी? मुंह से लगी कि आँख से लगी? यानी आँखों से इतना कुछ निकलता है, इतना कुछ निकलता है, यदि उसको इकट्ठा किया जाए तो सामने वाला सहन नहीं कर सकता। तो मतलब आँखें भी बोलती हैं, हाँ कान नहीं बोलते हैं, कान के अंदर जाता है तो सुना जाता है, नाक के अंदर भी जाता है, नाक नहीं बोलती है, नाक के अंदर जाता है, जब गुस्सा आता है तो नाक फड़फड़ाने लगती है,
बोलिए हाँ या ना, नाक भी ऐसी ऐसी होती है। और जब गुस्सा आता है तो हाथ और पांव कैसे होते हैं? अरे बोलिए ना, हाथ और पांव भी इतनी जोर जोर से चलते हैं कि क्रोध तो आ रहा है दिमाग में, और उस क्रोध के कारण आंखों में परिवर्तन, नाक में परिवर्तन, हाथ पांव में परिवर्तन, चेहरे में परिवर्तन, पूरा शरीर क्रोध करता है। हो सकता है वो मुंह से ना बोल पा रहा हो, लेकिन पूरा शरीर बोलता है कि उसको गुस्सा आ रहा है, उसको प्रेम आ रहा है, उसको राग आ रहा है, उसको मोह आ रहा है, पूरा शरीर बोलता है। आप समझते हो केवल बोलने वाली भाषा, लेकिन बोलने वाली भाषा नहीं। यदि तुम्हारे घर में कोई आया है और तुम उसका मुस्कुरा के स्वागत ना करो, उसको टेढ़ी नज़र से देखो, उसके गुस्से की नज़र से देखो, बोलो कुछ नहीं, वो दोबारा आएगा? अरे बोलिए ना, नहीं आएगा है। जब किसी दो जनों में झगड़ा हो जाता है तो एक तो बोलने वाला होता है, गुस्सा कर देता है और निकाल के शांत हो जाता। एक होता कि ठीक है अब तुमने किया है ना, अब बताते हैं हम, वो चुप हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो चुप हो जाता है। और वो इतना चुप होता है, इतना चुप होता है कि उसकी चुप्पी तुम्हें काटने लगती है। बोलिए हाँ या ना। बोलने वाला गुस्सा तो थोड़ी देर का होता है, मगर वो चुप होने वाला गुस्सा ऐसा काटता है, ऐसा काटता है कि सामने वाले को गला देता है। बोलने वाला गुस्सा जला देता है और चुप होने वाला गुस्सा गला देता। अच्छा भैया तू बोल, कुछ तो बोल, ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, अब तो बोल ले। सामने वाला कहता अच्छा अभी रुक जा, अभी तू कम गला है, अभी और गलाते हैं, वो और चुप हो जाता है। अभी तू और हाथ पांव जोड़ मेरे, फिर वो और चुप हो जाता है, बड़ी मुश्किलों से मानता है। तुम क्या सोचते हो केवल बोलने वाला ही गुस्सा कर रहा है? चुप होने वाले को गुस्सा नहीं है? बोलने वाले से ज्यादा गुस्सा उस मुंह फुलाने वाले का है। बोलने वाला क्रोध और चुप होने वाला क्रोध, एक अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है और बर्फ कितना कर देगा ठंडा। तुम हाथ में थोड़ी देर के लिए अंगारा रख लो, जल जाओगे, और बर्फ रख लो। आपको पता नहीं है जो लोग वहाँ जाते, बद्रीनाथ जाते हैं और वहाँ दो चार दिन रह के आ जाएं, पाँच सात दिन वहाँ रह के आ जाएं, और जब वो वहाँ बर्फीली ठंडी हवा खाते हैं तो ये चमड़ी जल जाती है, और जब वो वहाँ से नीचे उतर के आते हैं तो उनकी एक दो परत उतरती है, उसके बाद वे नॉर्मल होते हैं। एक दो परत तो जली जाती है उस ठंडी हवा में। तो अग्नि जलाती है तो बर्फ भी जलाता है, बस बर्फ की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि वो ठंडक के रूप में महसूस हो रही है और अग्नि की गर्माहट के रूप में महसूस हो रही है। तो शरीर का हर अंग बोलता है, हर अंग। बाल बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलिए ना। यदि बाल नहीं बोल रहे होते तो तरह तरह की डिजाइन बनाने की कहाँ जरूरत आ रही थी? कोई आगे से कटवा रहा है, कोई पीछे से कटवा रहा है, कोई आधे कटवा रहा है, कोई उन्हें खड़ा कर रहा है, कोई उन्हें खोल रहा है, कोई उन्हें बांध रहा है, कोई आधे कटवाता है तो आगे आगे हिलाता है। वो ऐसे वो सामने से कटवाने वाले होते ना। एक बहन जी थी, वो मेरे सामने बैठी। अब वो बाल आगे आए तो वो पीछे ना करें, उसको थोड़ा यहाँ कर लें। मुझे पता किसकी याद आई थी। अरे बोलो ना, कहो तो बता दूँ। वो जो गाय होती ना, गाय या बैल, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सींग ढीले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते? उनके सींग ढीले पड़ जाते हैं। तो जब वो चलते हैं तो उनके सींग भी हिलते हैं। अब समझ जाओ, अब ज़्यादा नहीं बोल रही मैं। इंसान मुंह से कम बोलता है, इंसान कपड़ों से बोलता है।
कपड़े भी ऐसे पहनता कि सामने वाले पे प्रभाव पड़े, वो बोले, तुम नहीं बोलो, कपड़े ऐसे पहनोगे कि सामने वाले बोलेगा कहाँ से लाए, अच्छे लग रहे हैं, कितने के हैं, कौन सी दुकान से लाए हो, तुम बुलवा रहे हो, कपड़े पहन के बुलवा रहे हो, तुम ज्वेलरी पहन के बुलवा रहे हो, तुम बाल बना के बुलवा रहे हो, तुम्हारा शरीर का हर अंग हर चीज बोलती है। आप समझते हो बॉडी की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। जब आप भोजन करते हो और जब आपको रोटी ना चाहिए हो, सामने वाला पूछे एक रोटी और लाऊं और मुंह में ग्रास है, तो आप कैसे मना करते हो? हाथ से मना कर देते हैं, है ना? यानी ये उदाहरण किसका है? ये सिग्नल किसका है मना करने का? ये सिग्नल किसका है मना करने का? जब आपके घर से कोई विदाई लेता है तो आप कैसे करते हो? इस बार तो आ गया, अगली बार मत आना, यही करते ना? अभी अभी आपने कहा था कि इसका मतलब मना करना है, तो जब कोई जा रहा हो और फिर वो ऐसे ऐसे करे तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप ही बताओ ना, अब तो आ गया, आपकी बार मत आना। ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ का कल्चर ये है। हमारे यहाँ का कल्चर है जय जिनेंद्र। और राजस्थान में एक बड़ी अच्छी बात है, कोई आता है तो कहते हैं पधारो सा, और कोई जाता है तो भी पधारो सा, आया है तो भी पधारो, जा रहा है तो भी पधारो। एक शब्द में दो काम कर लेते हैं ये, इनने दो शब्द नहीं बनाए अलग अलग, इनने एक शब्द में दो काम निपटा दिए। तो आप बॉडी लैंग्वेज समझते हो, समझते हो ना? भगवान के दर्शन करने जाते हो, कभी बातचीत हुई भगवान से? बॉडी लैंग्वेज समझते हो ना? यदि समझते हो तो भगवान से बातचीत जरूर होनी चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान मंदिर में बैठे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं। आप कहोगे भगवान कुछ बोलते नहीं तो हम क्या समझें? आप बोलती हो तो आपकी बात तो हमें समझ में आ जाती है, भगवान कुछ बोलते नहीं, ठीक है, हमारे घर वाले कहते हैं मंदिर जा मंदिर जा तो चले जाते हैं, उनने कहा चावल चढ़ा तो चढ़ा लेते हैं, बाकी हम भगवान बोलते नहीं तो हमें क्या समझ में आएगा? भगवान के दर्शन करते हो, दर्शन में क्या किया आज तक आपने? अरे बोलिए ना, क्या दर्शन किए आपने भगवान के? बहुत सुंदर प्रतिमा है, उनकी नाक ऐसी है, उनकी आँख ऐसी है, वो प्रतिमा पतली है, वो प्रतिमा मोटी है, वो उस कलर की है, वो उस कलर की है, मैं कहूँगी आपने दर्शन किए ही नहीं है। मैंने तो कई बार ये बात बताई है कि जब भगवान के सामने खड़े हो तो अपने को मैच करो। क्या करना है? मैच करो। अब भगवान से आपको ज़्यादा बात करनी नहीं आती है तो जो आप करते हैं उसका वर्णन करो। भगवान मैं क्रोध करता हूँ, आप क्रोध नहीं करते हैं। भगवान मैं अभिमान करता हूँ, दूसरों का अपमान करता हूँ, मायाचारी करता हूँ, लोभ करता हूँ, भगवान मैं सारे दिन पापों में लिप्त रहता हूँ और आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। मैं हिंसा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, चोरी कुशील परिग्रह करता हूँ, भगवान आपने सब कुछ छोड़ दिया। भगवान मैं मोह माया में पड़ा हूँ, आप मोह माया भी नहीं करते हो, आपके सुख का कारण तो बताओ भगवान। इतने शांति से इतने सुख में आप कैसे बैठे हो? तो उत्तर मिलेगा, जो तुम कर रहे हो ना ये सब छोड़ दो तो सुख मिल जाएगा। लो भगवान से बातचीत हो गई, बातचीत ही तो करनी है भगवान से। एक मूर्ति से बातचीत करके देखो तो आपको समझना बॉडी लैंग्वेज सही समझ में आ गई। और यदि जब तक आप भगवान से बातचीत नहीं करते हो तब तक समझना कि आपने भगवान के दर्शन किए नहीं है। मंदिर भी जाते हैं, प्रभु पतित पावन की विनती भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हो प्रभु पतित पावन की विनती?
प्रभुपतित पावन में पवन चरण आयो श्रीन जियो मृत अपने आप स्वामी मैट जमना तुम ना पहचान्यो हनुमान देव तुम्हें ही समझ में नहीं आ रही तुम क्या पढ़ रहे हो तुम्हें ही नहीं पता है। बस आदत पड़ी है पढ़ने की, एक एक शब्द चबा चबा के पढ़ना चाहिए। कैसे आप भोजन कैसे करते हो? चबा चबा के। यदि आप चबा चबा के भोजन ना करो तो भोजन का रस नहीं बनेगा। ऐसे ही एक एक शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो भक्ति का भाव पैदा नहीं होगा। इसलिए भक्तांबर पढ़ो, पूजा करो, माला फेरो, भगवान को याद करो, तो हर शब्द में भगवान याद आने चाहिए। तो आपने पूजा करी है, तो आपने माला फेरी है, और तो आपने भगवान के दर्शन किए हैं। वरना तो एक रूटीन पूरा कर दिया, जैसे रोज नहाते हैं और सारे काम करते हैं, ऐसे रोज भगवान के दर्शन वाले दर्शन हो गए, प्रदर्शन वाले दर्शन हो गए। भगवान तुम हमें देख लो, कहाँ जा रहे हो? यात्रा करने जा रहे हो। सुन क्या रहे हो? फिल्मी गाना। आपको एक उदाहरण बताऊं, मैंने पहले भी बताया है, मैं जहाजपुर में थी, मंदिर में बैठी थी, मंदिर वो जो छोटा वाला मंदिर था वो उसमें बैठी थी, जब भगवान के पंच कल्याणक नहीं हुए थे तो वहाँ पर दोपहर के समय थोड़ी भीड़ कम थी, गर्मी के दिन थे भीड़ कम थी उस दिन। तो एक परिवार आया तो माँ और बेटे आए, बेटा करीब 8 साल 7-8 साल का रहा होगा, तो वो मंदिर में आया और यहाँ गई, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए। उसकी मम्मी ने 2 चांटे लगाए, मंदिर में गाना गाते हैं क्या? मंदिर में गाना नहीं गाते हैं। गलती किसकी है? इसका मतलब है जिस समय वो बच्चा गाड़ी से उतरा उस समय गाड़ी में फिल्मी गाना चल रहा था, ठीक है? दिमाग में जो कान से जाएगा वो दिमाग में रहेगा। तुम्हें इतनी समझ है कि मुंह से नहीं बोलना है, मगर दिमाग में तो चलेगा ना, दिमाग में तो तुम्हारे भी चल रहा है ना। बस तुम थोड़े से बड़े हो गए, इतनी अकल आ गई है कि तुम्हें मुंह से नहीं गाना है, मगर दिमाग को रोक सकते हो क्या? फिल्मी गाना जब गाड़ी से उतर के तुम मंदिर में जाओगे तो फिल्मी गाना ही दिमाग में गूंज रहा होगा, और भले तुम मंदिर में खड़े हो। और यदि यात्रा में तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो और भजन सुन के गाड़ी से उतरोगे, तुमसे लागी, तो मंदिर में जाके क्या याद आएगा? भजन याद आएंगे, भगवान याद आएंगे, भगवान की भक्ति होगी। तो तीर्थ यात्रा में कभी भी जाओ तो फिल्मी गाना नहीं सुनो, वहाँ पर भजन ही सुनो। जब भजन सुनोगे तो आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी, तीर्थ यात्रा का पुण्य 10 गुना हो जाएगा। अब सुविधा मिली है कि आप भजन सुन सकते हो। पहले के समय में तो संगीत सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे, एक ढोलक बजाने वाला भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, एक गाने वाला आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। इस समय के तो बड़े पुण्यात्मा जीव है कि हर जेब में संगीत बज रहा है, एक मजदूर भी काम कर रहा है तो वो भी संगीत सुन के कर रहा है, एक पुताई वाला पुताई भी कर रहा है तो संगीत सुन के कर रहा है, खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला भी संगीत सुन के अपना काम कर रहा है। पहले कहाँ नसीब होता था लोगों को संगीत सुनना, कितने पुण्यात्मा हो आप। अरे बोलिए ना, अरे पुण्यात्मा तो हो, मगर इस पुण्य का सदुपयोग तो कर लो, इस पुण्य से पुण्य तो बढ़ा लो, इस पुण्य से पाप ना कमाओ। तो कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाओ तो हमेशा भजन सुनो। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी गाड़ी में भजन की पेन ड्राइव होगी ही नहीं, हैं ऐसे लोग हैं यहाँ पर? अच्छा, कितने लोग हैं जिनकी गाड़ी में पेन ड्राइव या सीडी भजन की है? है वाले हाथ उठाना, 2-4 हाथ उठे हैं। गाड़ी से कितने लोग आए हैं? गाड़ी से कितने लोग आए हैं? अब हाथ भी नहीं उठाएंगे ये, क्योंकि पता है कि बंधुओं, जो डालोगे वो निकलेगा, जो डालोगे कान से वो मुंह से निकलेगा। एक जगह पर 2 तोतों का जन्म हुआ,
एक ही माँ से दो तोते पैदा हुए। वहाँ पर एक चोर आया तो वो उठा के ले गया, डाकू आया उठा के ले गया, और एक तोता वहाँ राजा के महल का कोई सिपाही था वो उठा के राजा के महल में ले गया। अब उसके बाद जो डाकू के यहाँ थे, जो तोता था वहाँ दिन भर उसको मारो, गालियाँ देना, ये करना वो करना, तो वो तोता क्या सीख गया? अरे बोलिए ना, जो भी आता सबको देख के, अरे इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको गालियाँ दो, ये करो वो ही सीख गया। राजा के यहाँ वाला तोता, आइए बैठिए, आपका सम्मान है, आपका स्वागत है, वो सीख गया। जैसा तुम्हारा घर का वातावरण रहेगा बच्चे वैसा ही सब कुछ सीख जाएंगे। ये जो पांच झरोके हैं ना, इनमें से जो झांक रहे हो ना बाहर, केवल झांक नहीं रहे हो, बाहर का सामान अंदर भी जा रहा है, भले वो सॉफ्टवेयर के रूप में जा रहा है, हार्डवेयर अंदर नहीं जा सकता है। बाहर की चीज पकड़ी, सोना चांदी हार है, वो बाहर के बाहर ही रहते हैं, लेकिन उनके चित्र तो अंदर चले जाते हैं, उनके प्रति मोह तो अंदर चला जाता है, उनके प्रति भाव तो अंदर चले जाते हैं। भले ये मकान तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकता है, लेकिन भाव रूप में मकान मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये घड़ी मेरी है, ये मेरापन का भाव तो घुस जाता है ना। इसलिए बाहर जो झांक रहे हो ना, मात्र झांक नहीं रहे हो, बाहर से क्या लेना है, क्या अंदर डालना है, क्या अंदर नहीं डालना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। यदि इस बात का ज्ञान नहीं है तो जैसे तुम्हारे घर में तुम सामान इकट्ठा करते हो तो जो अच्छा होता है वही सामान इकट्ठा करते, कचरा इकट्ठा नहीं करते। ऐसे ही हमें अपने दिमाग में निंदा रखनी है, बुराई रखनी है, अपमान रखना है, व्यंग रखना, क्या रखना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है, वरना ये दिमाग कचरा घर बन जाएगा और टेंशन और डिप्रेशन की बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो गाली तो नहीं देते ना आप लोग? कौन कौन गाली नहीं देता है वो हाथ उठाना जरा। ओहो, इतने सारे लोग गाली देते हैं। जहां पर आप जिनवाणी रखते हो तो वो स्थान शुद्ध होता है या नहीं होता है? शुद्ध होता है ना। चलिए ये चर्चा मैं कल करूंगी। गाली चाहिए, कल मुझे याद दिलाना कि यहाँ से शुरू करना है, मुझे याद दिलाना, ठीक है? अभी समय हो गया है तो ये चर्चा कल करूंगी मैं। जो लोग जाने वाले हैं ना खुश हो गए होंगे, चलो आज माता जी ने छोड़ दिया हमें। चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके मीठा बोलने का, मंदिर में जिनवाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और बोलने में मीठी वाणी का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और धर्म में भाव का बड़ा ही महत्व है। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और फेरने में माला का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके आने का बड़ा ही महत्व है। अब बताओ कहाँ कहाँ से आए हैं? कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। सनावद, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में वदवद का, और आने वालों में सनावद का बड़ा ही महत्व है। बारवा, पहाड़वा, पहाड़वा, अच्छा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में पहाड़वा का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का
भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, कानपुर का, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। मादड़ी मादड़ी में सवेरा का और राजस्थान में बेरा का, आने वालों में पटेरा का। बड़ा ही महत्व है। घर में चाबी का, ताले में चाबी का, घर में भाभी का और आने वालों में कौशाम्बी का। बड़ा ही। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, आने वालों में महावीर जी का। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बैंक में खाता का, घर में माता का और आने में तोता का। फैलाने में भगवान के सामने झोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में मंझोली का। हो गए सारे। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। बोलिए चौबीसों भगवानी की। भटकू कहीं भी मैं अगर तो साथ हो तेरा, गुरु माँ हमेशा सर पे मेरे हाथ हो तेरा। वंदा भी गुरु तो मेरे शीश पर नहीं, कर लूंगा दुनिया को मुट्ठी में मैं भी एक दिन, कर लूंगा दुनिया को मुट्ठी में मैं भी एक दिन। दूर दूर तक हिंसा आदि व्याधि और आतंकवाद का ह्रास होता है, तभी मानो एक अहिंसा राज्य का एहसास होता है, तभी मानो एक अहिंसा राज्य का एहसास होता है। मूल नायक श्री पद्म प्रभु भगवान की मूल वेदी के ऊपर 125 फुट ऊंचा बनने वाला शिखर का शिलान्यास होगा और 9 अक्टूबर को फ्लैट निर्माण होना है तो उसका भी शिलान्यास होगा। बंधुओं, जो भी महानुभाव अतिशय क्षेत्र में निवास प्रवास करने की भावना रखते हैं, वे अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा की ओर से बनाए जा रहे फ्लैट्स को खरीद कर उनका अपने शेष बचे जीवन का उपयोग करके अतिशय क्षेत्र पर साधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह सभी कार्यक्रम बाड़े वाले बाबा के दरबार में पूज्य गणनीय आरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम होगा। आप सभी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन कर सकते हैं और माता जी के चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना का, जो स्वस्ति मंगल कलश स्थापित किया गया था, उसके लक्की ड्रॉ के कूपन का जो भी महानुभाव लेना चाहते हैं, अपने परिवार का नाम उसमें शामिल कराना चाहते हैं, मात्र 2100 रुपए की दान राशि में। पहली बार मिला है और आज इतने भक्तों के मेले में हमें शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं पूरे बैंक इनक्लेव समाज के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस ग्रुप इस आने के बाद आज पहली बार में ही अपने को सब जितने हम पुण्य चाहते थे उससे ज्यादा हमें भगवान ने दिए। पावन बना जो मैंने मुनि सुब्रत नाथ भगवान के साक्षात दर्शन करे। रोज मैं मंदिर
टीवी में देख के ही संतुष्ट होती थी, लेकिन आज मैंने सुवर्णनाथ भगवान के साक्षात दर्शन के भगवान को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पर ये सौभाग्य बहुत दिनों बाद मुझे मिला है, और ये सौभाग्य मुझे मेरी माता श्री के कारण मिला है, क्योंकि ये उनकी परम इच्छा थी कि मुझे जहाजपुर जाकर मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने हैं और अभिषेक करने हैं, और ये सौभाग्य मुझे मेरी माता श्री के कारण ही मिला है। और मैं भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करके ये विनती करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, जब तक मैं रहूँ तब तक आपके दर्शन के लिए हर साल आता रहूँ प्रभु, ऐसी मनोकामना है मेरी पूर्ण हो। ये भी है कि हमारे बैंक एनक्लेव समाज के अंदर जैन मंदिर का 24 का निर्माण और समोसरण का निर्माण हो रहा है। इसके मध्य हम लोग मकराना के दर्शन करने आए, और हमारे प्रधान जी के सबके सानिध्य में पूरी 2 बसें आई हैं। वहाँ पे हमने 24 के लिए और प्रतिमाओं के लिए पूजन किया, उसके बाद हमने यहाँ आके जहाजपुर में दर्शन का मन बनाया, और हम अपने प्रधान जी को और अपनी पूरी जैन समाज को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, कृतज्ञ हैं। और माता जी के सानिध्य में जो इतना सुंदर और इतना बढ़िया भव्य मंदिर है, उसमें हम लोगों को हमारा आशीर्वाद बना रहे। कुछ कह रहे थे कि जहाजपुर जरूर जाएंगे, जैसे माता जी ने मंदिर बनवाया, हम भी लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी मंदिर दिल्ली बैंक एन्क्लेव में माता जी की सानिध्य में माता जी के आशीर्वाद से बहुत सुंदरता से बने। हम लोगों ने मकराना में मूर्तियों के लिए जो शिला है उनका पूजन करके हम लोग सीधे यहीं पे आए, और हमसे माता जी से अनुरोध है, मुनीश्वर भगवान से अनुरोध है कि हमारा मंदिर भी जल्दी जल्दी पूर्ण हो। ये जहाजपुर से हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और जितना यहाँ पर हमने चमत्कार देखे और जितना भगवान का हमने यहाँ पर इन्होंने जो उपलब्धि देखी है, जो यहाँ का अरेंजमेंट है, जो यहाँ का संचालन है, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा मन लगता है, और भगवान का चमत्कार यहाँ पर होते रहते हैं। और मैं यहाँ के जहाजपुर के लोगों का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस मंदिर का निर्माण कराया, भव्य मंदिर का निर्माण कराया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।